तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है ट्रेड साइकिल, डिस्क्राइब द ट्रेड साइकिल। ठीक है, तो हम ट्रेड साइकिल को, बिजनेस साइकिल को, इकोनॉमिक साइकिल को एक ही चीज़ है। ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द टर्म बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल रिफर टू द इकोनॉमिक वाइड फ्लक्चुएशन इन द प्रोडक्शन, ट्रेड एंड द जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ट्रेड साइकिल रिफर्स टू द अप्स एंड डाउन्स इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच एक्सटेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर। ठीक है, अब बेसिकली ट्रेड साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो कि बताता है बिजनेस की पोजीशन। ठीक है, बिजनेस की पोजीशन या इकोनॉमिक्स की पोजीशन। ठीक है, वो बताता है एक मुल्क जो है वो किस तरह बढ़ता है, हायर पीक पे जाता है और वो फिर से नीचे गिर जाता है। ठीक है, ये बेसिकली इसकी एक ग्राफिकल भी प्रेजेंटेशन हो सकती है या और एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है जो कि मैं आगे करूँगा ग्राफिकल। ठीक है, पहले स्टेजेस जानते हैं इसके, द स्टेजेस ऑफ, स्टेजेस या फ्रेजेस को ऑफ ट्रेड साइकिल। ठीक है, फोर स्टेजेस होते हैं। पहला होता है इनका डिप्रेशन, रिकवरी, बूम और पीक एंड रिसेशन। ठीक है, डिप्रेशन उसको कहते हैं जब बिजनेस बिल्कुल ही ठप हो जाता है या ठप होने वाला होता है या बंद होने वाला होता है, तो वो जो उस स्टेज से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर इस स्टेज से जब स्लोली स्लोली निकलते रहें, या अभी जैसे समझें मैं बिजनेस कर रहा हूँ एक और मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, यानी मैं डिप्रेशन में हूँ। ठीक है, फिर आस्ते आस्ते मुझे स्लोली स्लोली ज़्यादा नहीं थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जो स्टेज होगा वो मेरा रिकवरी का स्टेज होगा। ठीक है, उसके बाद रिकवरी होती होते गई होती गई और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, मैं खुश हो गया, तो ये हो गया मेरा बूमिंग स्टेज या पीक स्टेज। ठीक है, उसके बाद मुझे जितना प्रॉफिट होता था उससे थोड़ा कम प्रॉफिट होने लगा, यानी कि पीछे मैं जितना आगे बढ़ गया था उससे मैं थोड़ा पीछे आ गया, तो फिर मैं पहुंच गया अपने डिसीशन के स्टेज पे। ठीक है, अब इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। डिप्रेशन, इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर लो, देयर इज अ फॉल इन इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम इकोनॉमिक यानी कि पूरी एक कंट्री के इकोनॉमिक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे 2007 में अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। ठीक है, तो उस वक्त वो डिप्रेशन में आ गए थे, लेकिन उससे पहले वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। वहाँ की जो वॉल स्ट्रीट थी वो बहुत ही इंजॉय कर रही थी, उनकी एक एक मंथ की जो सैलरी थी वो 22 मिलियन से अबव थी, 22 मिलियन डॉलर से अबव थी। तो उस वक्त उनका बूमिंग स्टेज चल रहा था, लेकिन 2007 के बाद वो लोग डिप्रेशन पे आ गए। ठीक है, सर्च करना, बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है, मैं भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिर इस पर वापस जाते हैं। द कोस्ट are relatively higher than the prices, profit falls and producer suffers loss. ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि चीज़ों की प्राइस महंगी हो जाती हैं और लोग की एम्प्लॉयमेंट आ जाती है कंट्री में। ठीक है, जब ये स्टेज चल रहा होता है। रिकवरी, इन दिस फेज कॉस्ट बिगिंस टू डिक्लाइन इन प्राइसेस एट इट्स लोएस्ट लेवल, स्टॉप फॉलिंग फर्दर। जितनी फॉल हो चुकी थी प्राइसेस उससे फॉल होना बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो आस्ते आस्ते वो लॉस भी कम होता जाता है और प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। रिकवरी इज अ टाइम व्हेन द इकोनॉमिक बिकेम स्ट्रॉन्गर, मोर जॉब्स आर क्रिएटेड, मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड बाय बिजनेस। ठीक है, रिकवरी वो स्टेज होता है जहाँ पे बिजनेस आस्ते आस्ते ग्रो करना शुरू कर देता है या इकोनॉमी एक मुल्क की आस्ते आस्ते ग्रो करना शुरू हो जाती है, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं, रिसोर्सेज बढ़ जाती हैं। ठीक है, इस तरह के टाइम को हम रिकवरी कहते हैं, ये डिप्रेशन के बाद आता है। ठीक है, ये ट्रेड साइकिल एक बेसिकली एक थ्योरी है जो कि हर बिजनेस में होती है। जैसे इसकी जो बहुत अच्छी एग्जांपल है वो है 2007 क्राइसिस इन यूएसए। ठीक है, इस पर रिसर्च ज़रूर करना। चले आगे दूसरे स्टेज पर आते हैं। अब हमारी इकोनॉमी की रिकवरी हो गई और हम बूमिंग स्टेज पर पहुँच गए, यानी कि धबाधब पैसा। ड्यूरिंग अ बूम देर इज हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट लेवल आर हाई एंड वेजेस मे राइज एज बिजनेस ट्राई टू अट्रैक्ट एम्प्लॉय, इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीज, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज, देर इज ए रिच प्रॉफिट। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट बूम शुड reach the level of full employment during this period, it becomes difficult to sustain growth, growth slow and downturn begins to take place. A booming, जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, जिस स्पीड से, आपका समझें ये ग्राफ है,
ठीक है, अभी ग्राफ इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है और इस तरह गया और फिर स्पीड से ऊपर गया, तो इसका मतलब यही होता है कि ये फॉल होगा। ठीक है, ये थ्योरी कहती है, ये लो है बेसिकली, ये फॉल होगा। जिस तरह 2007 के क्राइसिस में जो रिटेल नॉट रिटेल मार्केट द हाउसिंग मार्केट, बेसिकली हाउसिंग मार्केट जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और सब लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन बहुत तेज़ी के बढ़ने के बाद वो एक हाउसिंग बबल बन गया और वो बर्स्ट हो गया, टूट गया, टूट के धब नीचे गिर गया और सारी हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हो गई, जिसकी वजह से बूम से हम पहुंच गए रिसेशन पे और रिसेशन से हम पहुंच गए डिप्रेशन पे। ठीक है, अब चलें रिसेशन पढ़ते हैं। टर्निंग पॉइंट फ्रॉम पीक या बूम टू डिप्रेशन इज टर्म्ड एज रिसेशन फेज। During a recession period, the economic activities slow down when the demand start falling. There is a decline in the output, income, employment, prices, and profit. It reduces investment. After recession, it depends on the business whether it again goes from the same phases or sometimes business shut down. ठीक है, तो basically recession के बाद अगर एक इकोनॉमी के ऊपर नहीं डिसीजन आ रहा है, एक बिजनेस के ऊपर डिसीजन आ रहा है, तो उसके पास चॉइस होती है, या तो फिर वो अपना सारा लॉस हो गया सब बंद करके अपने आप को शट डाउन कर दे, या तो फिर से वो रिसेशन के बाद वो फिर से डिप्रेशन पे जाए, डिप्रेशन के बाद वो फिर से कोशिश करे और डिप्रेशन के बाद वो रिकवरी पे जाए, रिकवरी के बाद वो फिर से ग्रोथ करे। ठीक है, तो ये ग्राफिकल चार्ट, डिप्रेशन, डिप्रेशन से पहले बूमिंग आता है, ठीक है, बूमिंग फिर डिप्रेशन, बूमिंग आई मीन रिसेशन देन डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन से हमारा रिकवरी पे आ गया, रिकवरी होकर हम बूमिंग पीक स्टेज पे आ गया, और जो टर्निंग पॉइंट होता है ना उसको हम कहते हैं रिसेशन। ये पीरियड होता है रिसेशन का, जहाँ पे हमें प्रॉफिट होते होते प्रॉफिट होना कम हो गया और कम होते गया होते गया होते गया और आखिर हम लोग लॉस पे आ गए। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस साइकिल, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, एक सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दें। ठीक है, इसी के साथ ही मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।